संगीत रागी जी, पश्चिम बंगाल के जो बदलते समीकरण है, अभी तक जो लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच दिखाई दे रही थी, कांग्रेस और लेफ्ट और उभरता हुआ ओवैसी फैक्टर कितना असर डालेगा इस लड़ाई में? सर मेरे पैनल पर सभी गेस्ट जो है, ठीक है सर, पैनल पर सभी गेस्ट है, सबको बोलने का मौका मिला है। आपकी यदि आपको यदि आशुतोष की वाणी में इतना आकर्षण दिखता है, प्लीज संगीत रागी जी, ऐसे आप इंडिविजुअली आप किसी एक को आप ऐसे टारगेट करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। सर देखिए, सब लोग सुन रहे हैं, इस वक्त देश का पूरा दर्शक सुन रहा है, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आप उस पर जवाब दीजिए ना। आपने मेरी बात काट दी, बीच में आकर के आपने टोकाटोकी की। सर कंप्लीट करिए ना सर, आपको मैं बोलने का मौका दे रही हूँ, आप इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। सर जो बात एक मीनिंगफुल बात हो सकती है उसे प्लीज कंप्लीट करिए। मैं आपको बोल रही हूँ, चलिए आप बोलिए, मैं नहीं रोक रही हूँ आपको, आप प्लीज कंप्लीट करिए अपनी बात। आशुतोष ने रविंद्रनाथ, सर आशुतोष जी अपनी बात रख चुके हैं, आप अपना पॉइंट रखिए। आशुतोष ने रविंद्रनाथ ठाकुर की बात की, सुभाष चंद्र बोस की बात की, और वहां से उछल करके आकर के अमर्त्य सेन पर आके, लेकिन उन्होंने बंकिम को छोड़ दिया, विवेकानंद जी को छोड़ दिया, महर्षि अरविंद को छोड़ दिया, और ये छोड़ना कोई ऐसी बात नहीं है। आशुतोष जैसे व्यक्ति जो है वो ऐसी बातें नहीं करते हैं ये, क्योंकि ये तीनों ऐसे चरित्र हैं जो बंगाल के भारत की जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसके ये प्रणेता हैं, और जानबूझ करके आशुतोष ने उनको छोड़ दिया। दूसरी बात मेरा ये कहना था जी, तो सुन लीजिए, कोई मुझे एक चीफ मिनिस्टर यदि जय श्री राम के नारे के साथ यदि कोई बोलता है तो कार से उतर करके उसकी चमड़ी उगेड़ में ऐसी भाषा का प्रयोग तो चीफ मिनिस्टर करती है। मैं पाता आशुतोष से पूछता हूँ, उनके सपोर्टर हैं बहुत बड़े, उन्होंने कितनी आसानी से कह दिया कि ये बताया जा रहा है कि बंगाल की संस्कृति में है वो हत्या 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 है। अरे भाई, आप सीपीएम के बारे में जानते नहीं है कितनी हत्याएं हुई है बंगाल में, राजनीतिक हत्या के जहां जहां इस्लाम और जहां जहां वामपंथ की जड़ें गहरी हुई है वहां हत्या और ही संस्कृति पैदा होती है, और यह पूरी दुनिया में है। आशुतोष, दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी उसी वामपंथ और इस्लाम के हत्या और दूसरे के प्रति इनटॉलरेंस की संस्कृति को खड़ा किया है, नर्चर किया है। एक कहावत है कि कथम साक्ष्यम समाचरेत, यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोज मारा जाए, यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने के समय पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बना रहे, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्या करे? बंगाल का टुकड़ा करे का भी प्रयोग नहीं करे? प्रदेश में हर दिन हत्याएं हो रही है की बात कर रहे हैं, भी बातें करते हैं, और अमर्त्य सेन कोई दूध के धुले हुए नहीं है जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती है। यही अमर्त्य सेन है ना जो नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर अभियान के हिस्सा। मीनाक्षी ठीक है, एक सेकंड से उनको कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आऊंगी। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, जाकर के काम किया है, उनके दबाव में मत आइए। भारत का व्यक्ति, कोई बात नहीं, उनको लगा था समय कम मिला, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आशुतोष जी बस एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं कंक्लूड करूंगी। बोलिए आशुतोष जी। मैं मुझे संगीत अपनी एक राजनीतिक, संगीत रागी जब आप शांत हो जाइए, संगीत रागी जब आप शांत हो जाइए, ठीक है। संगीत रागी जी आपने रखा पॉइंट, आशुतोष जी फटाफट एक लाइन में कंक्लूड करिए। देखिए मीनाक्षी, संगीत रागी और आरएसएस के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये विवेकानंद को भी ठीक से नहीं पढ़ते हैं। विवेकानंद ने क्या कहा? विवेकानंद ने कहा कि वैदांतिक दिमाग, ठीक है, संगीत रागी जी को दिखाइए, मुस्लिम बॉडी, बिना इसके हिंदुस्तान की कल्पना नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिना इस्लाम और हिंदू के हिंदुस्तान की कल्पना नहीं हो सकती है, लेकिन आरएसएस के लोगों को विवेकानंद से कुछ लेना देना नहीं है, विवेकानंद से लेना देना नहीं है, खाली नारेबाजी।